साथ थे यहाँ एक तरीके से वो ऊपर ब्रह्मांड है लेकिन नीचे अनूप जी के जीवा में सरस्वती थी एक भगवान स्वरूप व्यक्ति ने आप लोगों को जिस प्रकार के शब्दों को दिया है ये आपको इतनी शांति और इतना सुकून प्रदान करेंगे ये आपको आज रात को समझ में आएगा दोस्तों। दूसरी बात दोस्तों कि जिस प्रकार से सभी ने इतना इस प्रोग्राम को एक तय दी है मैं चाहता हूँ कि अनूप जी से भी मैं गुजारिश करूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम होते रहें ये समाज के लिए बहुत लाभान्वित हैं आगे की जनरेशन इन्हीं चीज़ों से आगे बढ़ेगी और ये संस्कार अगर हमारे जहन में रहें इन्हें हमें जिंदा करके रखना है तो ऐसे प्रोग्राम्स की बहुत 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 ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ अनूप जी हमेशा हमारे साथ रहें ऐसे प्रोग्राम्स में और हम जगह जगह करते रहें। पहले मैं बहुत माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि शायद मैं प्रिपेयर नहीं था या हो सकता है नहीं तो दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ये 1,00,000 पब्लिक होती ये एक स्टेडियम होता और इतनी गूंज होती कि अनूप जी आप लोगों को इस तरह से हाथ देके सम्मान करते। मेरे पास बहुत कम वक्त था लेकिन उसके बावजूद जिस कल ये प्रोग्राम तय हुआ है और कल शाम को ये इवेंट तय हुआ है और आप सब लोगों की मदद से जिस
जिस प्रकार अनूप जी ने इनकी टीम ने हमारा साथ दिया, मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों। जितने 24 घंटे नहीं मिले थे हमें, लेकिन भगवान ने जिस प्रकार का प्रसाद हमें दिया था वो अनूप जी के रूप में दिया था। आई एम वेरी मतलब मैं बहुत आभारी और बहुत ग्रेटफुल हूँ कि इतनी बढ़िया शाम। मैं सच बता दूँ दोस्तों, आज दो साल के बाद, दो या ढाई साल के बाद मैंने 15 मिनट आंखें बंद करके जब सुना तो मेरी आंखों में आंसू थे। वही आवाज़ है जो मैं बचपन से सुनता आता था, वही आवाज़ है जो मेरी माँ भक्ति जब करती थी तो उनके गीत चलाती थी, वही आवाज़ है मेरी बहन आज भी मेरे घर में जब भी कोई पूजा होती है तो उनके संगीत चलते हैं। ये वो इंसान है जो भगवान स्वरूप धरती पर है दोस्तों। इनका साथ आपके लिए बहुत बड़ी बात है। ये एक छोटा सा इवेंट नहीं है दोस्तों, ये एक शुरुआत है, लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ बहुत जल्दी मैं 1,00,000 पब्लिक के साथ स्टेडियम में अनूप जी से ये के ये भजन गवाऊंगा। दूसरी बात, एक बहुत अच्छे व्यक्ति जिस गाने को हम यहाँ सुना करते थे, जो हमारे जहन में मुझे तो नहीं पता था, आई एम थैंकफुल टू हिम एंड वी आर ब्लेस्ड दैट ही इज देयर, मैं इन्हें एक बार ऊपर स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। द ओरिजिनल सिंगर ऑफ दैट ट्रिप लिखा था ना, मेरे पास कोई शब्द है जो मेरे आत्मा से निकल रहे हैं अनूप जी के लिए और यहाँ उपस्थित सभी गणों के लिए जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को ये अंजाम दिया। आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम एंड आई रियली केयर्स फॉर यू। आप सब लोग हीरे हैं, आप सब लोग, सच्ची बात बताऊं तो ईश्वर ने आज आपको चुना है कि आप ये प्रोग्राम देखें। जरूरी नहीं था कि 1,00,000 लोगों के बीच में होता, लेकिन यू आर ब्लेस्ड कि आज से ठीक महीने बाद आप 1,00,000 लोगों के बीच में देखेंगे, लेकिन तब आप कम से कम 500 मीटर दूर होंगे और आज आप अनूप जी के बिल्कुल सानिध्य में 10 मीटर में हैं। तो इनकी ऊर्जा का आप लाभ लीजिए और अपने आप को लाभान्वित कीजिए। स्टूडियो रिफ्यूल आपको कमिट करता है, आपको स्टूडियो रिफ्यूल कमिट करता है कि इसी प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स जो आपकी आपकी संस्कृति को आगे बढ़ाए रखेंगे, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। अनूप जी से इजाजत भी लेता हूं, मैं इनका छोटा भाई हूं, ये मुझे बिल्कुल मेरी बात मानेंगे और इसी प्रोग्राम को मैं ठीक 1 महीने के बाद किसी भी बहुत बड़े स्टेडियम में 1,00,000 लोगों के बीच में आपको फिर से वो करूंगा। ये आपसे उठा सक सकता है लेकिन ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होता है। हिमांशु जी कुछ बोल, हिमांशु जी ने दुबई में है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सब मिला के सबने कर दिया। और आज का जो मीडिया है, ऑडियंस से ज़्यादा तो मीडिया है, मीडिया को आप ही के लिए था कि आप अब इसको लोगों तक बताइए कि ये शुरुआत हुई है और शुरुआत हमेशा ऐसी होनी चाहिए और उसके बाद उसको बढ़ता हुआ देखिए उसका मजा आएगा। हमारे बहुत से दोस्त यहाँ आए, हम सबको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सच तो ये है कि सब लोग अपना समझ के आए। उस्मान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपने तशरीफ लाया, बिजी आदमी है और से यहाँ सिंगर बैठे हैं जो हमारे साथ गाते हैं, कृतिका ही है, सचिन बागी की है, अपूर्वा है, चित्रांशु हैं, तो यहाँ बहुत से कलाकार आए हैं और सब बहुत अच्छा गाते हैं। यहाँ पर सब सुन रहे थे और हमारे साथ गा रहे थे, बहुत अच्छा। सर हम भी आए हैं और कुमार भाई हैं और अनूप भैया हैं, सबको प्रॉमिस किया था 10 मिनट के लिए आके जाऊँगा तो मैं आया हूँ। आप अगला प्रोग्राम एंजॉय करिए, मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। भजन सम्राट हैं, हमारे देश के बहुत महान कलाकार हैं और जैसे कि सुरेश सर ने अभी बोला कि उनके बहुत प्यारे मित्र हैं, दोस्त हैं और हमारे बहुत खूबसूरत शाम है, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है और ऐसे ही प्रोग्राम स्टूडियो रिफ्यूल करता रहेगा आगे भी, फ्यूचर में भी, और आप सब लोगों को आमंत्रित करेंगे। आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद है, आप लोग सब बहुत संख्या में हमेशा लास्ट टाइम भी आए थे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय श्री राम अयोध्या, जय श्री राम अयोध्या धाम। आज इस्कॉन में आए, इतना बढ़िया भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का कार्यक्रम हो रहा है, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हिमांशु भाई द्वारा और आप सबके द्वारा मुझे ये व्यक्त होने का मौका मिल रहा है और इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती कि भजन सम्राट अनूप जलोटा जी का मैं भक्त हूँ। मैं उनका रियल कह सकते कि हम भक्त हैं, क्योंकि
आम आदमी से थोड़ा ऊपर है वो, इतने भजन गा चुके कि सारे देवी देवता उनको पर्सनली जानते हैं। और नॉर्मल आदमी के लिए कहावत है दाल रोटी खाओ प्रभु के गुण गाओ, और इनके लिए कहावत है पहले प्रभु के गुण गाओ फिर दाल रोटी खाओ। हॉलीवुड को अगर इस बात का घमंड है कि उनके पास MJ है, माइकल जैक्सन, तो हमारे पास इस बात का घमंड है कि हमारे पास AJ है, अनूप जलोटा। तो मैं समझता हूँ कि अनूप जी की प्रस्तुति आज पर होने वाली है, एक से बढ़कर एक भजन गाने वाले। मैं तो सोचता हूँ कि राजनीति में भी आ जाए उनके अपने राजनीति का राजनीति पार्टी को की भोजन समाज पार्टी, भजन समाज पार्टी, भजन समाज पार्टी बात है भोजन समाज पार्टी। तो मैं समझता हूँ कि भजन के लिए इन्होंने पूरा जीवन दिया है, इसीलिए हर आदमी इनके पास खींचा चला आता है। और एक बार किशोरदा का गाना गा रहे थे, बड़ा रोमांटिक गाना था, किशोरदा के बहुत बड़े फ़ैन हैं अनूप जी, तो किशोरदा का गाना है ये जो मोहब्बत है ये इनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। लेकिन अनूप जी को ये गाना गाना पड़ा तो ऐसा इतना रोमांटिक गाना भी उनके मुँह से भजन ही लगा, हालांकि प्यार भी एक पूजा ही है। तो उन्होंने गाया ये जो मोहब्बत है प्रभु ने कहा, ये जिनका है काम वो है राम वो है श्याम। लोग कहते हैं पंडित जी आपके इतने अच्छे अच्छे भजन हैं, आपके सिवा और कोई गा नहीं सकता। मैंने कहा नहीं रे पगले, मेरा एक शिष्य है जो मेरे सारे भजन गा सकता है, उसका नाम है हर भजन सिंह, बड़ा ही धार्मिक बच्चा है, गीता के साथ बस रहा है। तो भजन संध्या है जो सुबह तक चलेगी, और मैं समझता हूँ कि श्याम और राम ऐसे दो नाम हैं जो भजन जहाँ पर भी आप गाएं तो मज़ा आता है, आनंद आता है। और आज देश के हर कोने कोने में राम और श्याम का नाम है। हम कलाकार तो श्याम के भक्त हैं, क्योंकि हर शाम को हमारा प्रोग्राम होता है और श्याम जी कलाओं के गुरु हैं, 64,000 कलाओं के गुरु हमारे श्याम जी। तो भजन संध्या जो आ रही हो रही है वो भी श्याम जी श्याम है। तो मैं समझता हूँ कि राम और श्याम को प्रणाम है, और आप सब का धन्यवाद कि आपने आप सब जियो हज़ारों साल, यही तेरे से दुआ दे रहा सुनील पाल, अपने कार्य में करते रहो कमाल और धमाल, यहाँ जा या वहाँ जा दुआ ये कि छा जा, मालिक करे कि हमरा हर दोस्त क्लिक करे, हमरा नाम है रतन नूरा, आपके बिना हम हूँ अधूरा, अब जब आप सामने आ गए तो हमारा जीवन बन गया काशी और मथुरा। लव यू, थैंक यू सर, थैंक यू।